हेलो फ्रेंड, चावला स्टॉक मार्केट में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सुजलोन एनर्जी के बारे में। भैया ब्रेकिंग न्यूज निकल के आई है अभी अभी, सेबी ने दिया है बहुत बड़ा इसको झटका और गिरावट का कारण भी पता चल गया दोस्तों। तो देख लेते हैं भैया 2025 में आपको करोड़पति बनाएगा नहीं बनेगा, तो पूरी डिटेल से देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके पास में सुजलोन का एक भी शेयर है या फिर बाय करने की सोच रहे हो तो भैया ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात बता दूँ कि चैनल पर पहली बार विजिट की हो या फिर चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बगल का बेल आइकन दबा देना है जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपका एक रुपये का लॉस ना होगा। तो चलते हैं हम अपनी नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे देख लो, सुजलोन 12.20 रुपये का हो रहा, आज भी 60 पैसे की गिरावट हुई थी दोस्तों। दोस्तों आज मैं थोड़ा बिजी था, कहीं पे गया हुआ था तो माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, आज आपको वीडियो नहीं मिल पाए हैं तो इसलिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। तो पहले तो हम चार्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख लो, ये 13 रुपये का टच करने की कोशिश की थी लेकिन भैया गिर रहा है। तो दोस्तों मैं एक बात होता हूँ, ये 11 रुपये और 11.50 रुपये से नीचे जाने वाला नहीं है क्योंकि बहुत दिनों से यहीं पे ये रेस्ट किया था दोस्तों, तो यहाँ से नीचे जाने वाला नहीं है दोस्तों। फ्रेश एंट्री कर सकते हो, लॉन्ग टाइम का नज़रिया है आपका तो भैया फ्रेश एंट्री कर लो, 10-20-100 यूनिट आप ले सकते हो। लेकिन भैया लिख लेना ये बात कि 2025 में आपको ये 500 का टारगेट दिखा देगा दोस्तों, 400 अपने लाइफ टाइम हाई को पार कर देगा, लेकिन 2025 में अभी नहीं करेगा दोस्तों, इसके लिए टाइम देना पड़ेगा आपको 2025 के लिए। तो हमने देखो गिरावट की पता चल गया, गिरावट है भैया इस यहाँ से नीचे नहीं जाने वाला, 11.50 रुपये से नीचे जाने वाला नहीं है। तो जिनके पास है मैं जरूर कहूंगा कि होल्ड करके चलना। और भैया देखो, इस शेयर ने बहुत ज्यादा रिटर्न निकाल के दिए। आज देखो 21 करोड़ शेयर मार्केट में थे, कल 14 करोड़ हुए थे, 8 करोड़ ले गए और 32 करोड़ है 13 करोड़, मतलब डिलीवरी परसेंट भी बहुत ज्यादा है भैया, डिलीवरी भी घर पर लेके जा रहे हैं लोग। वहीं पे देख लो कॉमेंट्री सेंटिमेंट देख लो भैया, 10% ऐसे लोग हैं जो बोल रहे हैं सेल करो, वरना सभी ये बोल रहे हैं कि इसको क्या है बाई करके चलना है। और दोस्तों यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखो सेलिंग प्रेशर भी एक 3,94,000 जा रही है, यानी 4 लाख के करीब का सेलिंग प्रेशर एनएससी और बीएससी में, मान लो करीब 5-6 लाख का सेलिंग भी प्रेशर है क्योंकि फ्रेंड्स जो लोग 4 रुपये में 5 रुपये में 6 रुपये में बाई कर रहे थे, बाई करके रखे थे ना, वो लोग क्या है प्रॉफिट बुकिंग भी चल रही है चारों तरफ से। तो देखो देखो, अगर आपके पास में ये शेयर है मैं जरूर कहूँगा कि होल्ड करके चलना आपको लॉन्ग टाइम के लिए। ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो 100 यूनिट ले लो, 4 ले लो, कम ले लो, लेकिन लॉन्ग टाइम नजरिया तो लॉन्ग होल्ड रखो। ऐसे शेयर लॉन्ग टाइम में बहुत ज़्यादा रिटर्न आपको निकाल, जैसा कि मैंने परसों वाले वीडियो में बताया था कि भैया ग्रीन एनर्जी में अंबानी जी वगैरह भी मिलियन में क्या है अब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो भैया इन शेयरों की भी लॉटरी लगेगी क्योंकि ग्रीन एनर्जी के संबंधी ये काम करता है ना, तो भैया लोग सरकार भी क्या इनमें इन्वेस्टमेंट कर रही है आने वाले टाइम के लिए। तो भैया ये शेयर अभी देखो आपको 12-10 रुपये में मिल रहा है, लेकिन इसको 2-3 साल होल्ड कर लेते हैं भैया ये 100+ और 500+ चला जाएगा, तो ये लॉन्ग टाइम का हीरो है दोस्तों। लॉन्ग टाइम होल्ड करते हो तो देखो 5-10-100 यूनिट आप लेके पोर्टफोलियो में भूल जाओ दोस्तों, लॉन्ग टाइम के बहुत ज्यादा रिटर्न निकाल के दे देगा। अभी आप चिल्लर ले हो तो चिल्लर ट्रेडिंग के पर्पज से आप कर सकते हो, लेकिन अगर लॉन्ग टाइम नजरिया है और वाकई में आपको प्रॉफिट चाहिए ना रियल, तो भैया लॉन्ग टाइम होल्ड करो, ऐसे शेयरों को छोड़ना नीचे। आई होप आप सारी बात समझ गए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही।